पहले से चेक करके फिर उसको दूँ। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आवाज सही आ रही है बेटा? सभी को आवाज क्लियर दिख रही है? सभी बच्चों को आवाज क्लियर दिख रही है? क्लियर दिख रहे हैं ना? अभी सभी को क्लास स्टार्ट कर रहे हैं आज आपकी। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? सभी को क्लियर दिख रहे हैं? ठीक है। देखो बेटा, आज हम आपकी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, वर्क एंड वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर, वर्क एनर्जी एंड पावर जो हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? एनर्जी क्या होती है, वर्क क्या होता है आपके पास? व्हाट डू मीन बाय वर्क? ठीक है, वी विल डिस्कस वर्क एनर्जी एंड पावर यूनिट फोर अकॉर्डिंग टू आवर एनसीईआरटी। ठीक है, आज का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंटरेस्टेड है। ठीक है, अब आपको फिजिक्स इजीली समझ आएगी। अभी तक किसी बच्चे को थोड़ी मुश्किल लग रही थी फिजिक्स, तो अब आपको इजीली समझ आएगी। अब आगे की फिजिक्स बहुत ईजी है।
थोड़ा सा थर्ड यूनिट में क्या होता है कि टेंशन फोर्स, इधर फोर्स इधर फोर्स, तो उसमें कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है। लेकिन अब आपको ये अच्छे से समझ आएगी, बड़ी ईजी यूनिट है। आज का टॉपिक सभी को ही अच्छे से समझ आएगा, बहुत ही ईजी और बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है आपका ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर वर्क क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इसमें वर्क। वर्क किसके, आप सबको पता है क्या होता है, एफ एस कोस थीटा। वर्क को क्या लिखते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ डॉट एस। वर्क एक ऐसी क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है वर्क आपकी, स्केलर क्वांटिटी है। वर्क इज योर स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आया कहाँ से आपके पास ये फॉर्मूला, कैसे आया आपके पास, ठीक है। जैसे आपके पास ये ब्लॉक है, आपने एक सरफेस है, इसके ऊपर ये ब्लॉक रखा हुआ है, एम मास जो भी है आपके पास, आपने इस पे एफ फोर्स लगाया। आपने क्या करा, इसका एम मास था और इस ब्लॉक पे क्या लगाया, एफ फोर्स, ठीक है। अभी कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो क्या होगा, जब आप बॉक्स को ऐसे खींचोगे तो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा इसका, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। अब इन दोनों के बीच में एंगल क्या बना आपका, थीटा। जब तुम किसी बॉक्स को ऐसे पकड़ के खींचने की कोशिश करते हो तो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा आपके पास, तो आपके पास यहाँ से क्या बन जाएगा, ये एफ को थीटा एंगल दोनों के बीच में। अब एफ फोर्स का कंपोनेंट देखो, एफ फोर्स के दो कंपोनेंट बन गए आपके पास यहाँ से। एक कंपोनेंट तो ये बना एफ साइन थीटा और एक कंपोनेंट ये बना एफ कोस थीटा, ठीक है। तो आपके पास दो कंपोनेंट बन गए रिजोल्यूशन बाय वेक्टर से, ये बात सबको समझ आ गई होगी शायद, ठीक है। अब देखो कंपोनेंट ऑफ ए फोर्स अलोंग द वर्क डन की डेफिनेशन क्या है, कंपोनेंट ऑफ ए फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट, कंपोनेंट ऑफ ए फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा कम सुनाई दे रहा है, थोड़ा तेज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसकी वॉल्यूम कंपोनेंट ऑफ ए फोर्स, द कंपोनेंट ऑफ ए फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द कंपोनेंट ऑफ ए फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है आपका, वर्क डन। तो देखो, तो वर्क डन कंपोनेंट ऑफ ए फोर्स, फोर्स इंटू डिस्टेंस और लिख लेना, डिस्प्लेसमेंट इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ ए फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है, एफ कोस थीटा, क्या है आपका, एफ कोस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट, मान लिया एस है आपके पास, तो वर्क डन क्या बन गया आपके पास, एफ एस। इसको अगर ये आपके पास वर्क डन आ गया, ऑप्शन में मैं देती हूँ वर्क डन को कैसे कैसे लिख सकते हो, क्या आप वर्क डन को ऐसे लिख सकते हो, एफ कोस थीटा इंटू एस, मैं ब्रैकेट ऐसे लगा दू, ठीक है। एक बार मैं ऐसे लिख दू कि वर्क डन क्या है, एफ एफ एस कोस थीटा, एस कोस थीटा इंटू एफ इंटू एफ, या वर्क डन को हम ऐसे लिख सकते, ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है मान लिया आपके पास, और ये ऑप्शन आपका क्या है, सी है। ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है, तो विच वन ऑफ द ऑप्शन इज राइट, यहाँ पे ये लिखना सही है, ये लिखना सही है, या ये लिखना सही है आपके पास। एक बार इतना नोट करो फिर मैं बताती हूँ कौन सा लिखना सही है, जल्दी नोट करिए इसको।